हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th, सब्जेक्ट संस्कृत। वीडियोज बना रहे हम 9B, और आज हम पार्ट नंबर 3rd यानी तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पार्ट नंबर 2 जो था उसके अभ्यास प्रश्न कंप्लीट किए थे। आज हम तृतीय पार्ट है, पार्ट तीसरा पढ़ रहे हैं। इस पार्ट का नाम क्या है? स्वराष्ट्र गौरवम। स्वराष्ट्र, अपने देश का गौरवम, गौरव यानी हमारा देश क्यों प्रसिद्ध है, इसमें कौन कौन से गुण हैं, ये इसका क्या महत्व है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो अपने देश का या राष्ट्र का गौरव, पाठ परिचय पढ़ते हैं कि हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। हमारा जो चिंतन, हमारी जो सोच है, उसमें देश किसे कहते हैं, ये परिभाषा बहुत ही पुरानी है। वेदों में भी आराष्ट्रीय राजन्य यानी कि राष्ट्र में क्षत्रिय, यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि वयम राष्ट्र जागरियाम, कि हम सब राष्ट्र में जागते रहें। यजुर्वेद में भी ये भी लिखा है कि अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, कि मैं वाणी की देवी, जगत की ईश्वरी और धन प्रदात्री हूँ, यह ऋग्वेद में बताया गया है। इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग में यह स्पष्ट होता है। हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा पश्चिम से आई है, ऐसा जो मानते हैं वे तो वास्तव में भ्रांत है यानी भटके हुए हैं। जो हमारा यह भारत बहुत ही पुराना और सनातन राष्ट्र है, किंतु यहाँ ऋषियों, मुनियों, कवियों और तत्वज्ञों द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्र तो वह कहलाता है, वहाँ पर एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है, हम इसे राष्ट्र देव मानते हैं। यह भारत हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड अथवा भूखंड मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारी जन्मभूमि है। जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है कि माता भूमि है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि पृथ्वी मेरी माता और आकाश मेरे पिता हैं, ऐसा हमारे वेदों में माना जाता है। मातृभूमि यानी जन्मभूमि, पितृभूमि यानी कि हमारी पितरों की यानी पैतृक भूमि, पुण्य भूमि यानी कि पवित्र भूमि, धर्म भूमि यानी हमारी धर्म से युक्त भूमि, कर्म भूमि जहाँ पर हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, और देवभूमि जहाँ, ऐसी भूमि जहाँ देवताओं ने जन्म लिया हो। इस प्रकार विविध रूप यानी अनेक रूपों वाली है, संसार के मन को मोहने वाली यह हमारी भारत माता। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी और राष्ट्रभक्ति संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित हैं। यानी यहाँ पर हमारा देश से क्या संबंध होता है और हम अपने देश की राष्ट्र तक किस प्रकार ग्रहण करते हैं, ये संबंध है। राष्ट्र का गौरव किस प्रकार है और राष्ट्र की भक्ति, इन सभी संबंधित चीज़ों से जो श्लोक हैं वो इस पाठ में दर्शाए गए हैं। तो हम इसमें, इसकी जो हमने ये परिचय पढ़ा, इसमें हमें देखा है कि जो राष्ट्र है ये केवल एक भूमि का टुकड़ा ही नहीं है। हम जो हमारे सबसे प्राचीन जो हमारी रचनाएं हैं वो वेद माने जाते हैं, और उन चारों वेदों के अंतर्गत जो सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में ये कहा गया है कि पृथ्वी मेरी माता है और आकाश मेरे पिता हैं, यानी इस भारत देश की भूमि को हमने अपनी माता का दर्जा दिया है, तो इसलिए ये भूमि का टुकड़ा नहीं है बल्कि हमारी माता या मातृभूमि है जो हमारा पालन पोषण करती है। इसके अलावा इसमें जो अथर्ववेद है उसमें भी ये बात कही गई है कि भूमि हमारी माता है और हम उस भूमि के या पृथ्वी के पुत्र हैं। तो इस प्रकार जैसा रिश्ता माँ और पुत्र में होता है, वैसा ही रिश्ता इस भारत देश की भूमि का और हमारा है। तो हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं और राष्ट्र के प्रति जो हमारे भाव हैं, जो बातें हैं, इनको हम जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं ये इसके अंदर पहले श्लोक की, इसको पढ़ते हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रे च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। वापस सुने, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रे च एव दक्षिणम
वर्षम तद भारतम नाम भारत यत्र संतति ही। देखो बेटा इसका हिंदी अर्थ हम करते हैं, ध्यान सुनेंगे आप। तो देखो यहाँ पर यत जो समुद्र से समुद्र के या सागर के उत्तरम उत्तर दिशा में है, जो समुद्र के या सागर के उत्तर दिशा में है, च और हिमाद्रे एव और हिमालय की दक्षिणम दक्षिण दिशा में है, जो समुद्र के या सागर के उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में स्थित है, यत्र जहाँ भारतीय संस्कृति, जहाँ भारती जहाँ माँ सरस्वती की संतति संतान निवास करती है, जहाँ माँ सरस्वती की माँ शारदा की संतान निवास करती है, तद वर्षम भारतम नाम, तद वर्षम वह देश भारतम नाम भारत नाम से प्रसिद्ध है, या उस देश को भारत देश कहा जाता है, या उस देश का नाम भारत देश रखा गया है। वापस सुनो, जो समुद्र या सागर के उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में स्थित है, जहाँ माँ सरस्वती की संतान निवास करती है, उस देश का नाम भारत देश है, या वह देश भारत के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर देखो बेटा ये जो शब्दार्थ यहाँ लिखे गए हैं, ये शब्दार्थ आपको पढ़ने हैं, यानी ये आपको क्लास तक में नहीं करना है, ये आपको सिर्फ लर्न करना है। शब्दार्थ यहाँ से शुरू हो गए यहाँ तक बेटा, तो ये तो आपको करना है लर्न, ध्यान रखना है बेटा। और इसके बाद फिर इसका जो हिंदी अनुवाद है ये आपको करना है HW की कॉपी में, करना किस प्रकार है, पार्ट नंबर 3 डालेंगे आप, नंबर 1 लिखोगे उत्तरम डॉट डॉट लिख, लास्ट में आपको लिखना है संतति, फिर आपको नीचे लिखना है इसका हिंदी अनुवाद, ये पूरा लिख दोगे आप, इस प्रकार हिंदी अर्थ कम्प्लीट हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें सह स्प्रंग जो है या सह प्रसंग जो व्याख्या है ये करना है। सबसे पहले आपको जिसमें लिखा है प्रसंग, प्रसंग के आगे हम क्या जोड़ेंगे इसमें सह, तो बन गया सह प्रसंग। इसमें लिखना है कि श्लोक अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य स्वराष्ट्र गौरव इति पाठात उद्धृत है, मूलतः अयम श्लोक है विष्णु महापुराणात संकलित है, और अस्मिन् श्लोके कवि भारतस्य भौतिकं परिचयं प्रस्तुति। ये आपको यहाँ लिखना है, यहाँ से आपको करना कैसे होगा, ये श्लोक लिख लिया, फिर आपने हिंदी अर्थ कर लिया, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको लिखना है सह प्रसंग श्लोक को अयम से लेकर और प्रस्तुति तक लिखना है, फिर आपको उसके नीचे की लाइन में स्टार्टिंग में लिखना है व्याख्या लिखा हुआ है, इस व्याख्या के आगे हम लिख देंगे संस्कृत, फिर आपको लिखना है संस्कृत, अब क्या लिखना है आपको संस्कृत व्याख्या, ये लिखना है, इसको अंडरलाइन करना है एरो लगा, फिर आपको ये लिखना है कि यह देशे इंदु महासागर उत्तर दिशा में स्थित है, यह च प्रदेश हिमवत पर्वतात दक्षिणस्याम दिशि, यहाँ तक लिखा आपने। इसके बाद हम अगले पेज पर चलेंगे, तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर आपको देखो इधर स्थित ऐसे यहाँ शुरू करना है, यहाँ से आप शुरू करोगे स्थित ऐसे लेकर, यद भारतीय प्रजा अस्ति तद नाम भारतम नाम राष्ट्र अस्ति, तो आपको यहाँ तक इसकी संस्कृत व्याख्या लिखनी है। इस प्रकार हमारा फर्स्ट श्लोक कंप्लीट होगा, और ये सारा कार्य आपको HW की कॉपी में ही करना है, ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा जो श्लोक है वो है हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, यानी कि हिमालयात लिखा है, हिमालय पर्वत से समारभ्य लेकर इंदु सरोवरम यावत, इंदु सरोवर होता है हिंद महासागर, और यावत होता है तक, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक देव निर्मितम तम देशम, देव निर्मितम देवताओं के द्वारा रचा गया या देवताओं के द्वारा बनाया गया तम देशम, उस देश को हिंदुस्तानम हिंदुस्तान प्रचक्षते कहा जाता है। वापस सुने, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक देवताओं के द्वारा जो देश निर्मित है या जो बनाया गया है वह हिंदुस्तान देश कहलाता है,
इसमें भी वही शब्दार्थ है। ये शब्दार्थ आपको सिर्फ लर्न करना है। इसके बाद ये हिंदी अर्थ है, ये आपको HW कॉपी में करना है। फिर इसके बाद आपको ये प्रसंग से पहले सह जोड़ना है, सह प्रसंग अंडरलाइन करना है, एरो लगा के लिखना है कि श्लोक अयम पाठ्य पुस्तकात् स्पंदनाय स्वराष्ट्र गौरवम् इति पाठ उद्धृत है। इस श्लोक को अयम मूलतः बृहस्पति आगम संकलित अस्ति और श्लोक इसमें कवि हिंदुस्तान से भौगोलिक स्थिति में दर्शयति, यहाँ तक लिखना है। इसके बाद में व्याख्या से पहले वही संस्कृत डालना है आपको, अंडरलाइन एरो संस्कृत व्याख्या, फिर आपको शुरू करनी है यहाँ से लेकर और यहाँ तक अस्थि तक। और ये सी काम भी, व्याख्या वाला काम भी आपको HW की कॉपी में ही करना है, ये ध्यान रहे बेटा। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, घर रहकर ध्यान से इसको पढ़ना है, लिखना है। ओके स्टूडेंट्स।